डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर. हियर आर इज इक्वल टू एक्स इंटू वी, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वी. हियर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, वन इज एक्स एंड अदर वी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स. इन दिस केस, ऐसे केस में जो पार्टिकुलर इंटीग्रल हम फाइंड करते हैं वो होता है वन अपॉन एफ डी इंटू एक्स वी इज इक्वल टू एक्स डॉट वन अपॉन एफ डी इंटू वी माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ वन टाइम डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ डी एंड देन इन डिनोमिनेटर एफ डी का होल स्क्वायर इंटू वी सेकेंड फंक्शन. इन सेकेंड केस वेन आर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन एंड साइन ए एक्स, मतलब यहां पे एक्स टू द पावर एन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है, साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो, तो ऐसे केस में जो पार्टिकुलर इंटीग्रल हम फाइंड करते हैं वो सबसे पहले इसे ई टू द पावर आई एक्स यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं. और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि ई टू द पावर आई एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, जहां पे रियल पार्ट है कॉस ए एक्स और इमेजिनरी पार्ट है साइन ए एक्स. तो हम पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ वन अपॉन एफ डी इंटू ई टू द पावर आई एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन, क्योंकि यहां पे साइन ए एक्स है तो ये इमेजिनरी पार्ट होगा इसका, ई टू द पावर आई एक्स का इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए हम यहां पे लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ वन अपॉन एफ डी इंटू ई टू द पावर आई एक्स साइन एक्स की जगह पे एंड एक्स टू द पावर एन. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड पार्टिकुलर इंटीग्रल वेर आर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन साइन एक्स. और इसके बाद, ऐसा करने के बाद हम रूल अप्लाई करते हैं जो ई टू द पावर एक्स इंटू वी के लिए होता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई एक और फंक्शन का प्रोडक्ट हो जो कि एक्स का फंक्शन है, तो हम राइट साइड पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं. टू अंडरस्टैंड इट बेटर वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल. सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स. तो ये हमें पता है कि हमें सबसे पहले इसका एक्सिलियरी इक्वेशन फाइंड करना होता है. इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स. तो इसके एक्सिलियरी इक्वेशन हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एम इज इक्वल टू प्लस माइनस वन. सो एम हैव टू रूट्स, एम इज प्लस वन एंड माइनस वन. सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन is c1 e to the power x plus c2 e to the power minus x. तो ये हो गए कंप्लीमेंट्री फंक्शन. अब क्योंकि r not equal to zero है तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल. सो कंप्लीमेंट्री फंक्शन तुम फाइंड कर चुके, अब पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए वन upon d square minus वन x sin x plus वन upon d square minus वन e to the power x plus वन upon d square minus वन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स. तो पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू है वन पॉइंट डी स्क्वायर माइनस वन एक्स साइन एक्स. तो हम यहां देख रहे हैं कि एक्स का प्रोडक्ट साइन एक्स से है. तो अभी अभी हमने देखा कि अगर ये साइन एक्स हो तो हम इसका ई टू द पावर आई एक्स का इमेजिनरी पार्ट लेते हैं. इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. तो सेम चीज यहां पे साइन एक्स के लिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ वन पॉइंट डी स्क्वायर माइनस वन एक्स ई टू द पावर आई एक्स, ये साइन एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आई एक्स. देन फॉर नेक्स्ट, यहां पे एक्स का कॉफिशियंट वन है, अगर हम डी की जगह वन रखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, एफ डी हो जाएगा जीरो. सो हम इसका डायरेक्ट वन नहीं रख सकते हैं, यहां पे हमें इसे वन टाइम डिफ्रेंशिएट करना होगा. तो डी स्क्वायर माइनस वन का वन टाइम डिफरेंशिएशन है टू डी. अब नेक्स्ट है वन पॉइंट डी स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स. और हम जानते हैं कि अगर आर में ई टू द पावर एक्स हो इनटू कोई ऐसा फंक्शन हो जो एक्स का है वी, तो ऐसे में जो एक्स का कॉफिशियंट है डी को हम रिप्लेस कर देते हैं डी प्लस कॉफिशियंट ऑफ
एक्स यानी डी प्लस वन. तो यहाँ पे ए की वैल्यू वन है, सो दिस इज डी इज रिप्लेस बाय डी प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन एंड देन एक्स स्क्वायर. इन नेक्स्ट स्टेप इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज नाउ प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड ई टू द पावर आई एक्स. सो हेयर ए इज आई, सो डी विल बी रिप्लेस्ड बाय डी प्लस आई. डी प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस. अब अगर आप एक्स का कोफिशियंट ए इज इक्वल टू वन रखोगे डी की जगह पे, तो एफ डी जीरो नहीं होता है, तो हम डायरेक्ट इसे एक्स के कोफिशियंट को यहां रख सकते हैं डी की जगह पे. तो टू इंटू वन इज टू.